नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज मैं आपके सामने इसके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिसको लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है। बहुत लोग पूछते हैं कि वो ये कि जी हम ज्योतिष में मानते तो हैं, वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट हम जो है एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से डरते हैं क्योंकि मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं बहुत नेगेटिव बोलते हैं या मन में एक वहम डाल देते हैं, तो हमें बहुत डर लगता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है इट्स अ गाइडलाइन, इट्स अ गाइडिंग फोर्स। ये जो है वेदों का हिस्सा है, इसलिए ज्योतिष को वेदांग भी कहा गया है। वेद जो हैं वो जो है हम सभी जानते हैं सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स हैं एंड दे आर वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। दे टॉक अबाउट व्हाट शुड बी द ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल टुवर्ड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द फैमिली। तो वो बेसिकली जो है हमारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी जो कि मैंने कहा गाइडिंग फोर्स है, वो हेल्प करता है helps us to fulfill our duties and responsibilities towards, जैसे मैंने कहा, towards ourselves and towards the society। देखिए क्या होता है, जब हम परेशान होते हैं या जब हम difficult times face कर रहे होते हैं तभी हम astrologer के पास जाते हैं और हम इस उम्मीद से जाते हैं कि जी जो astrologer है वो हमें कुछ ऐसा तरीका बताएंगे या कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि रातों रात जो है हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा या हमारी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्लीज़ ट्राई एंड फेस इट। जैसा मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडलाइन। एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि जी आपका आने वाला समय अच्छा है या ख़राब है, वो आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता है। एक और बात कहूँगी यहाँ पे कि आप में वो पावर है कि आप जो है अपनी डेस्टिनी को या अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपने अच्छे समय को ख़राब या अपने ख़राब समय को अच्छा कर सकते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर का क्या रोल हुआ? एस्ट्रोलॉजर का रोल, जैसे मैंने कहा, कि वो आपको बता सकता है कि जी आगे आने वाला समय खराब है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को अवॉइड करें जो कि आपको इलॉजिकल और इम्प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं, क्योंकि देखिए वो वर्क नहीं करते हैं। या आपको ऐसी लंबी चौड़ी पूजा बताते हैं जिसमें कि जी बहुत कई हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा होता है। देखिए, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है कि जो पूजा पाठ है वो खुद स्वयं करना चाहिए। देखिए वही बात हो गई कि मान लीजिए आपके सर में दर्द है और आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कहे कि जी ठीक है आपके सर में दर्द है, मैं सॉल्व कर देता हूँ आपकी प्रॉब्लम, मैं दवाई ले लेता हूँ, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। अगर आपके सर में दर्द है तो आप ही को दवाई लेनी होगी। तो जो पूजा पाठ है वो आपको खुद स्वयं करना होगा, देन इट विल बी मच मोर इफेक्टिव। और देखिए, पूजा पाठ का भी करना या कोई उपाय करना तभी इफेक्ट, उसमें जो है ऐसा नहीं होता है कि जी कोई बहुत लंबा चौड़ा है कि जी कोई पूजा है। कई लोग कहते हैं कि जी 15 दिन हमने पाठ करवाया या 20 दिन करवाया। पूजा में कहीं पर भी जी क्वान्टिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ कि आप कितनी श्रद्धा से पूजा करें। अगर आप 5 मिनट भी अच्छे मन से पूजा कर रहे हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो प्लीज़ अवॉइड astrologers who are giving you long list of, you know, doing things which are impractical and illogical। दूसरी चीज़, बहुत लोग कहते हैं कि जी हम पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा कि जी आपका तो शनि बहुत भारी है, उससे जो है बहुत नेगेटिव उसका इस रिजल्ट पड़ेगा, या आपकी जो बच्चे मांगलिक हैं तो मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होगी। तो क्या ऐसा होता है? क्या शनि और मंगल हमेशा खराब होते हैं? देखिए, कोई भी ग्रह ये कह देना कि खराब है या कोई भी ग्रह ये कह देना कि जी कि बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट सो दैट सैटर्न एंड मार्स आर ऑलवेज बैड, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट सो कि वीनस, शुक्र, जो कि पैसे का और लग्जरी का प्लैनेट है, कि वो हमेशा अच्छे ही रिजल्ट्स देता है। देखिए, ज्योतिष जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन है ऑफ 9 प्लैनेट्स एंड 12 साइंस। इन सब का मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन बनता है। तो इनमें जो है इनकी स्टडी करके ही हम डिराइव करते हैं कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसा होगा। उसमें अच्छा टाइम भी होगा और उसके अंदर बुरा टाइम भी होगा। ज्योतिष आज से 5000 साल पहले लिखा गया था। 5000 साल तो बहुत दूर की बात है, आप खुद देखिए पिछले 50 सालों में कितने चेंजेस आ गए हैं, और हर चीज़ समय के साथ बदलती है। एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इज़ चेंजिंग विद चेंजिंग टाइम्स। वही प्रिंसिपल्स देखे, जैसे मैंने कहा, वही 9 ग्रह और वही 12 राशियों के साथ हमें उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो मॉडर्न टाइम्स में उसी हिसाब से करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज से कोई 50 साल पहले पैदा हुआ था, उसकी पत्री देखिए, उस टाइम पर कोई ये नहीं कह सकता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, पर वो प्लैनेट्स जो कि पहले थे वही प्लैनेट्स तो वही हैं, पर उन प्लैनेट्स में से जो है हम मॉडर्न इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं। पर देखिए, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आज भी उन्हीं रूढ़िवादी प्रिंसिपल्स
को लेके बैठे हुए हैं, और इसीलिए जो है कई जगह जो है प्रिडिक्शंस गलत हो जाती हैं। लोग कहते हैं जी इन्होंने ये कहा पर ऐसा नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप अभी पुराने प्रिंसिपल्स पे ही अटके हुए हैं। सो वन हैज़ टू चेंज विद चेंजिंग टाइम्स ऑल्सो, ये एस्ट्रोलॉजी पे भी अप्लाई करता है। और जैसा मैं कह रही हूँ फिर से रिपीट करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ गाइडिंग फोर्स, इट्स अ वंडरफुल गाइडलाइन। अगर आप इसको एज अ गाइडिंग फोर्स लेके चलेंगे तो इट कैन रियली ब्रिंग अबाउट लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट मैरिटल लाइफ, कि हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प सॉल्व द मैरिटल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। www.ridhibehl.com नाम से मेरी वेबसाइट है, एस्ट्रो रिधि बहल नाम से मेरा फेसबुक पेज है। आई वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सजेशंस एंड फॉर योर कमेंट्स। सो कैच अप विथ यू सून गाइज, टिल देन गुड लक।